नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। जन आक्रोश यात्रा अब मंदसौर से नीमच की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। जीतू पटवारी अब नीमच के लिए रवाना हुए हैं। जिस तरीके से पिपलिया मंडी मनारगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद जो है नीमच में शाम को एक बड़ी सभा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में अगर बात करें तो 7 संभाग जिस तरीके से बांटे गए, उसमें एक संभाग जो है उज्जैन संभाग भी है। यहाँ पर भी जन आक्रोश यात्रा लेकर जीतू पटवारी पहुंचे थे और मंदसौर में एक बड़ी सभा की गई गांधी चौराहे पर। उसके बाद अब ये जन आक्रोश यात्रा का रथ नीमच की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मलारगढ़ पिपलिया मंडी होते नीमच पहुंचेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस में किस तरह का उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ शामिल है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा का रथ अब नीमच की ओर बढ़ रहा है। 18 साल का दोष है, शिवराज का ये दोष है, सालों के भ्रष्टाचार पर ये जनता का आक्रोश है। ये जन सच्चाई है, सीने पर गोली खाई है, चीखे भी अब खामोश है, ये जनता का आक्रोश है। बहनों के संग बस छल हुआ, हर झूठा वादा विफल हुआ, हर नारी का जय घोष है, ये जनता का आक्रोश है। ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है।